सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो में मैं आपको बाजू का डिजाइन बनाना बता रही हूँ और इस डिजाइन को आप अपनी कुर्ती पर, सूट पर, अपने ब्लाउज में, आप किसी पर भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। और देखिए, ये मैंने बाजू का कपड़ा लिया हुआ है और ये दोनों बाजू का कपड़ा है और इसकी बंद साइड ऊपर है और इसकी लंबाई आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जो इसकी हम लंबाई लेंगे वो जितनी हमारी तैयार लंबाई है उससे केवल 1 इंच ज्यादा लेनी है। और जो इसकी हम चौड़ाई लेंगे, जितने हमारे आर्म होल यानी मुड्ढे हैं, उससे 1.5 इंच ज्यादा लेनी है। ऐसे हमारे आर्म होल 7 इंच है तो देखिए हमें बाजू की चौड़ाई 8.5 इंच लेनी है। और यहां से इस जगह से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से यहां पर ये शेप देंगे। इसके बाद हम अपनी बाजू की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमारे बाजू की आगे से गोलाई 12 इंच है तो ये निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे, उसके आधे हिस्से में। और इस निशान को इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे। और इसके बाद देखिए एक निशान हम कटिंग के लिए लगाएंगे। आप इसको 2 इंच पर भी लगा सकते हैं और 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा बाहर लगाएंगे हम इस तरह से और इसको इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद देखिए हम इसकी कटिंग कर देंगे यहां से और यहां से। और पहले यहां पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए हम आगे के ये मुड्डू को इस तरह से शेप देंगे। ये 1/2 इंच की शेप हमें बीच में से देनी होती है। ऊपर के 2 हिस्से लेंगे हम इस तरह से। आप इसको इस तरह से खोल के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद हमें बुकरम लेनी होती है और बुकरम की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बाजू के बराबर लेनी है और जो लंबाई है यानी ये वाली जो लंबाई है वो इतनी लेनी है कि इधर देखिए इधर भी हमारा सिलाई के लिए थोड़ा कपड़ा बच जाना चाहिए और इधर भी देखिए ये बिल्कुल बाजू के बराबर है और डबल मैंने इनको किया हुआ है, ये दोनों बाजू के लिए है। और इसकी जगह आप पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुकरम इसलिए ली हुई है, ये नॉर्मल बुकरम है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम में डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो काफी बारीक होती है। इसलिए आप ये बुकरम जो नॉर्मल वाली होती है उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए उसके बाद हम इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहां से पहले ये जो हिस्सा हमारा बाजू के बाहर की साइड आएगा यहां से 1 इंच से थोड़ा सा कम और 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर एक निशान लगाएंगे। और यहां पर देखिए 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे, 1/2 इंच बुकरम छोड़ के इस तरह से। देखिए पहले हमने जो निशान लगाया है इसको हम इस तरह से यहां पर ये शेप देंगे। देखिए ये निशान लगाने के बाद हम यहां से इस जगह से देखिए बिल्कुल हल्का सा यहां से छोड़ देंगे, बिल्कुल यहां नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये हमें थोड़ा सा सिलाई के लिए जगह मिल जाएगी। और इसको देखिए इस तरह से एक डिजाइन बनाएंगे हम इसके ऊपर। और हमने जो देखिए यहां पर निशान लगाया है इसमें से यहां पर इस तरह से मिला देंगे। देखिए ये इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद देखिए हमारी ये जो यहां पर ये जगह बची हुई है बिल्कुल इतनी जगह पर हमें ये निशान लगाने हैं, यानी ये बराबर बराबर जगह पर हमें इस तरह से निशान लगाने हैं। देखिए ये निशान मैंने
एक बुकरम पर लगाया है और दूसरी पर अभी निशान नहीं लगाया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए ये निशान डार्क कर लीजिए और इसको इस तरह से रख लीजिए, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ काटते हैं तो ये काफी मोटी हो जाएगी और काटने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और डार्क करके आप इस तरह से दूसरी साइड भी वो निशान लेके आ सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप देखिए निशान इस पर आ गए हैं, इनको थोड़ा डार्क करके हम काट सकते हैं। और नहीं तो आप पहले इसकी कटिंग कर लीजिए और इसको रख के दूसरी जो हमारा पीस है उसकी कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद देखिए हम इन दोनों निशानों पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। और देखिए इस तरह से ये हमारी दोनों बाजुओं के लिए डिजाइन कट गया है। देखिए इसके बाद हमें इतना कपड़ा चाहिए जितनी हमारी बाजू है दोनों बाजुओं के लिए। तो अगर आपके पास कपड़ा कम नहीं है आप बाजू का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, और अगर कपड़ा कम है तो आपके पास अगर कोई उससे मिलता जुलता कपड़ा है आप उसको यूज कर सकते हैं, और आप अस्तर का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो डिजाइन काटा हुआ है उसको हम इस तरह से रखते हैं कपड़े के ऊपर, और देखिए इधर भी जगह बचनी चाहिए और इधर भी। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो उसको आप प्रेस करके चिपका लीजिए, और अगर पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और यहाँ पर एक सिलाई लगाइए बड़ी करके पूरे डिजाइन के ऊपर। देखिए इस तरह से ये कपड़े पर चिपकाने के बाद थोड़ा बाहर बाहर से इसी डिजाइन के शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए उसके बाद हम जैसे यहाँ पर इस जगह एक कट का निशान लगाएंगे, ये जहां पर भी हमारी ये इस तरह की गहरी शेप है सब जगह हम कट का निशान लगाएंगे यहाँ पर भी। इसके बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा सा बाहर इसके यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। और देखिए इस तरह से इसको मोड़ने के बाद हम देखिए इसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसको बिल्कुल बीच में से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। और देखिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी बाजू लेते हैं और बाजू को सीधी तरफ से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, और उसमें भी देखिए एक निशान इस तरह से बीच में लगाएंगे उसके, और यहाँ पर भी एक कट का निशान लगाएंगे। देखिए इस डिजाइन को हम इस तरह से रखते हैं, ये जो हमने कट के निशान लगाए हैं इनको इस तरह से मिलाएंगे, और ये जो बीच में हमने निशान लगाए हैं इनको भी बिल्कुल इस तरह से मिलाएंगे, और पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इन दोनों निशानों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे पहले। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में पूरे डिजाइन पर हम इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम देखिए पहले थोड़ा सी इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे, और जो हमारा देखिए एक्स्ट्रा बाहर कपड़ा है दोनों साइड से इसकी कटिंग करेंगे। और उसके बाद देखिए पहले बीच में इस तरह से एक कट लगाएंगे, और फिर इसी डिजाइन के बिल्कुल बराबर बराबर में थोड़ा बाहर से हम इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए कटिंग करने के बाद हम देखिए पूरे डिजाइन पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे बीच बीच में, बस हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और देखिए बीच बीच में कट लगाने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, देखिए जहां जहां पर भी हमारे एक कट है इस तरह से उनको हम सीधा करेंगे। देखिए इसको हमें इस तरह से सीधा करना है, इसको इस तरह से हमें करते रहना है ऐसे इसको करके, और इसके ऊपर हमें फिर प्रेस कर लेनी है इस तरह से, इसके ऊपर हमें प्रेस करनी है। देखिए ये हमारा डिजाइन इस तरह से तैयार हो गया है, और मैंने देखिए इस पर
उल्टी साइड मैंने इस पर तुरपाई कर दी है, और ये तुरपाई आप बाद में कर सकते हैं, आप यहाँ पर बड़ी करके सिलाई लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से बनाने के बाद आप इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर आप मोतियों वाली लेस भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके कपड़े पर सूट करे। और जैसे आप मोतियों वाली लेस लगाते हैं तो आप बेटर होगा जहां तक आपके देखिए ये बाजू की गोलाई है उसको छोड़कर, जैसे यहां तक आपका सिलाई में जाएगा तो यहां से लगाने शुरू करें, या फिर आप अपना कपड़ा बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद उसे लगाएं तो आपको सिलाई में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसके ऊपर ये मोतियों वाली लेस लगा रही हूँ, तो देखिए इसको आपको इस तरह से लगाना है, ये उल्टी साइड इस तरह से रख के, और जब आप इसको लगाएं तो देखिए इस तरह से आप लगाएं, नीचे तक आपको सुई निकालने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा लीजिए इस तरह से, ये आराम से लग जाएगी और इधर ये टाके भी दिखाई नहीं देंगे। देखिए ये लेस इस तरह लगाने के बाद यहां पर इस जगह आप कोई फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, या कोई आप कोई पैच भी लगा सकते हैं, या कोई बड़ा मोती भी लगा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं लगाना चाहते तो इसको आप इस तरह से देखिए, यहां से इस तरह से मोड़िए बिल्कुल बीच में से, और देखिए जो हमारे अंदर के हिस्से दिखाई दे रहे हैं इनको आप इस तरह से इनमें सुई से टाके लगा दें, यानी इस बीच के हिस्से को हमें जोड़ देना है। देखिए ये इस तरह से हमारी बाजू तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।